यह चित्र मिर्जा गालिब के जीवन की कुछ घटनाओं पर आधारित एक फिल्मी नाटक है जिसमें बहुत से कल्पित प्रसंग और पात्र भी शामिल कर दिए गए हैं, उनको वास्तविक या ऐतिहासिक न समझा जाए। यह तस्वीर मिर्जा गालिब की जिंदगी के कुछ वाकयात पर बनाया हुआ फिल्मी नाटक है जिसमें काफी सारी वाकयात और किरदार शामिल कर दिए गए हैं जिन्हें तारीखी न समझा जाए। दिल्ली जो पांडवों के जमाने से लेकर इस वक्त तक कई बार बसी और कई बार वीरान हुई, जिससे इंसान के कभी हार न मानने वाले हाथों ने हर बार पहले से ज्यादा खूबसूरत बना लिया। कुतुब मीनार इंसानी दिल में उठने वाले वलवले की तरह आसमान की तरफ लपकता और कलाम इलाहिया में गुफ्तगू करता। जामा मस्जिद भूले भटकों को मंजिल का पता देती। लाल किला मुगलिया शान और शौकत का मुस्तहकम निशान। हर इमारत हर गली कूचा जवान था, पत्थर और चूने के हर जर्रे पर शबाब था। लेकिन अफसोस इनकलाबात जमाने को इसकी अदा न भाई और मुगल सल्तनत का सूरज 400 साल तक रोशनी फैलाकर अब गुरूब हो रहा था। इस सूरज की आखिरी किरण मुगलिया खानदान का आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर थे, जिनके दरबार ज़िबकार में खाकानी हिंद शेख इब्राहिम जौक, जनाब बाल मुकुंद हजूर, हकीम मोमिन खां मोमिन, मुफ्ती सदरुद्दीन खान आजुर्दा, नवाब मुस्तफा खां शेफ्ता, हकीम आगाजान ऐश और जनाब मोहम्मद अली तिश्ना जैसी शेर और शायरी की कई शमाएं रोशन थी। इनसे दूर एक और समा थी जो अपनी रोशनी से हिंदुस्तान का कोना कोना जगमगा देना चाहती थी। है बस कि हर एक उनके इशारे में निशान और करती है मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और जाने पर आसपास के बोरिये बटोर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह इतना गैर बातों गैर इतना भी तुम्हें जाना कि घर में निगोड़ी बीवी है उसकी भी तो सुध ले। क्यों जी अरे बोलते क्यों नहीं, आंखें तो चार करो। अल्लाह आप तो शेर कह रहे हैं। आए बहादुर जी। अब्बा जान पता चला कहाँ है तेरा नौशा? वो तो घर ही में है अब्बा जानी। हाँ? चार दिन से कहीं निकले ही नहीं। शहर की तरफदारी जरूर कर बेटी, लेकिन अपने बाप से तो झूठ ना बोल। पांच दिन से मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। देखूं तो क्या कर रहे हैं नवाब साहब? मुशायरे का वक्त निकला जा रहा है। मुशायरे के लिए ही गजल कह रहे हैं, मैंने अभी भी उन्हें गिरा लगाते देखा है। तकदीर अपनी को गिरे लगा रहा होगा, ऐसा किस्मत का हेटा मैंने कभी नहीं देखा। क्या क्या मौके हाथ से गंवा दिए इसने। अगर यही तौर तरीका रहा तो तुझे एक दिन भटियारन बनाकर छोड़ेगा, रही सही जायदाद भी गंवा देगा। फूल ऐसी बेटी मैंने किसके पल्ले बांध दी, जरदस्त में गजी का कदम लगा दिया मैंने। आधा वर्ष करता हूँ बजन। आदाब, कहाँ जा रहे हैं आप? जी कले, आप ना जाइएगा मुशायरे में। देखा जाएगा। गजल हो गई आपकी? ये गजल तो मक्के पर दम तोड़ चुकी है। हाजरीन, दीवान आम के इस गैर तरह मुशायरे की इब्तिदा
ذل سبحانی کے کلام معجز نظام سے کی جاتی ہے. نہایت ادب کے ساتھ گوشے دل سے سماعت فرمائیے. نہیں عشق میں اس کا تو رنج ہمیں کہ قرار و شکیب ذرا نہ رہا. غم عشق تو اپنا رفیق رہا, کوئی اور بلا سے رہا نہ رہا. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر, تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا, ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اب شمع محفل عالی جناب مفتی صدر الدین خان آزودہ کے سامنے لائی جا رہی ہے. حضرت آزودہ کا کلام ملاحظہ فرمائیے. اجازت مطلب کرتا ہوں. نالوں سے میرے کب تہ بالا جہاں نہیں, نالوں سے میرے کب تہ بالا جہاں نہیں, کب آسمان زمین زمین آسمان نہیں. کہتا ہوں منہ سے کچھ میں نکلتا ہے منہ سے کچھ, کہتا ہوں منہ سے کچھ میں نکلتا ہے منہ سے کچھ, کہنے کو یوں تو ہے کہ زبان زبان نہیں. جناب لالا بال مکند حضور. نہ پاؤں میں جنبش نہ ہاتھوں میں طاقت, جو اٹھ کھینچے دامن ہم اس دل ربا کا. جواب نہیں ہوتا, سبحان اللہ. سر راہ بیٹھے ہیں اور یہ صدا ہے, سر راہ بیٹھے ہیں اور یہ صدا ہے کہ اللہ حوالی ہے بے دست و پا. حضرت حکیم مومن خان مومن. اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا, رنج راحت فضا نہیں ہوتا. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا, سبحان اللہ. تم میرے پاس ہوتے ہو گویا, جب کوئی دوسرا نہیں. حاضرین اب جگر تھام کے بیٹھو, میری باری آئی. شمع محفل خاقانی ہند ملک الشورا شیخ ابراہیم زوت استاد شاہ کے سامنے لائی جا رہی ہے. ہم آتن گوش ہو کر سنیے. مطلع عرض کیا ہے پیر مرشد. ارشاد. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نہیں وہ جو کریں
खून का दावा तुझसे हम नहीं वो जो करें खून का दावा हम नहीं वो जो करें खून का दावा तुझसे बल्कि पूछेगा खुदा भी तुम कर जाएंगे सुभान अल्लाह उस्ताद जनाब मिर्जा असदुल्ला खान यानी मिर्जा नौशा अल मतखल्लुस बा गालिब लो साहिबो मैं भी अपनी भैरवी अलापता हूँ इरशाद हाँ भाई तुम भी शुरू करो अपनी शाम कल्याण मतला अर्ज है फरमाइए है बस कि हरे कुन के इशारे में निशान और है बस कि हरे कुन के इशारे में निशान और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्या प्यारा मतला इशारा सुनाया सुभान क्या कहने यारब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात यारब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबान बहुत हो बहुत हो क्या ना खतरदानों की महफिल हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज बयां और हम ये खुदसिताई नहीं सुनना चाहते और मेरी तरह का ख्याल आपको नहीं दरबार को नहीं मैं चला चलो मुखमिया एक मजदूर कहा जहां कहीं भी ले चलो लेकिन यहां से चल दो इन जाहिल और नाकदरदानों की महफिल से दूर बहुत दूर उठा भैया संभाल के भैया दहना काट हाँ बराबर से संभाल Thank you.
के बिना न बने, के बिना न बने, नुक्ता ही है के गजल गा रहा था। कहते हैं जो कोई मिर्जा के गजल गा रहा था। हाय नाउस, कौन है, कैसा आदमी है, इतनी रात गए कौन शरीफ आदमी किसी के यहाँ आता है? अम्मा कहती हैं इतनी रात गए कौन शरीफ आदमी किसी के यहाँ आता है? जी मैं भी शरीफ ही आदमी हूँ, शायर हूँ, शाही मुशायरे से लौट रहा हूँ। शाही मुशायरे से लौट रहे हैं आप? मिर्जा भाषा का कलाम सुना होगा आपने, वो वहाँ पढ़ने वाले थे। आइए बाहर क्यों खड़े हैं, तशरीफ लाइए। आप सच्चे मुशायरे से आ रहे हैं? मिर्जा जी का कलाम सुना आपने, उनकी जबानी सुना, कैसी आवाज है उनकी, कैसा पढ़ते हैं, तरन्नुम से पढ़ते हैं। हुजूर बादशाह सलामत तो बहुत खुश हुए होंगे, बहुत इबाद दी होगी उनको। मुशायरा आवाज रंग दिया होगा मिर्जा जी ने, कोई ठहरा तो ना होगा उनके सामने। ओह माफ कीजिएगा, मैंने तो आते ही सवालात की पोछार कर दी। आइए तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आदमी कैसे हैं मिर्जा, मेरा मतलब है देखने में, मिजाज के कैसे हैं? हाय आप तो कुछ कहते ही नहीं। आप कहने की मोहलत भी तो दें। ओह फरमाइए ना। हाँ तो मैं वाकई मुशायरे से लौट रहा हूँ। मैंने मिर्जा जी का कलाम सुना, बहुत ही अच्छा ही। और सुना अम्मा, मैंने कहती थी सूरत पे बड़ी नरमाई है, चंपई रंग है, लाबाकद, खुले हाथ पांव, मिजाज के तुनक, जल्दी रूठें, देर से मने। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप तो यूं करती हैं जैसे देखा हो मिर्जा को। देखा नहीं तो क्या, पढ़ा सुना भी नहीं। हाय इतने अच्छे शायर हैं, मेरा बस चले तो नगर नगर ढंडोरा पीटती फिर उनका। ये बात है, कहिए तो बुलवा दो। अजी कहाँ, हम ठहरे गरीब डोम लोग, वो हमसे क्यों मिलने लगे, उन्हें तो हमारा पता भी ना होगा। ये उन्हीं का शेर है ना, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक खाक हो जाएंगे हम। हाय मेरी तौबा, ये लड़की क्या करती है, गली मोहल्ले की कोई सुन ले तो क्या कहे। ऐ बस रहने भी दो अम्मा जान, अपनी अपनी पसंद की बात है बड़ी भी, हम भी एक छोटे से शायर हैं, बल्कि यूं कहिए शायर छे। फरमाइए तो कुछ अर्ज करूं, क्यों चौधरी बेगम। इरशाद अर्ज किया है
है बस कि हर एक उनके इशारे में निशान और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा और अच्छा है यार वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात यार वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबान और लीजिए पान तो खाइए बस ऐसे ही हैं आपको तो हमारे शेर पसंद नहीं आते हम अलबत्ता इस गिलोरी की डाल देते हैं ये बात तो नहीं शेर खास हैं आपके मगर आप खुद समझदार हैं मिर्जा जी की बात ही और है होगी हम तो इतना जानते हैं कि उनके बाप दादा बंदूक चलाते थे मिर्जा जी लठमार होंगे माफ कीजिए मेरे सामने तो ऐसी बातें ना कीजिए उनको तो चाहिए वही बाप दादा का पेशा अख्तियार करें शायरी उनके बस का रोग है आप तशरीफ ले जाइए जी मैं कहती हूँ आप तशरीफ ले जाइए शायरी उनके बस का रोग नहीं बड़ा आया शेर समझने वाला आंखों के अंधे नाम नैन सुख निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले कुछ भी और मेहमान था हमारा नहीं चाहिए हमें ऐसे मेहमान दीदा दिलेरी तो देखो मर्दुए की सामने बैठ के मिर्जा की बुराई करे है धक्का दे देती मैं तो ऊपर से कोतवाल साहब लाइए मिर्जा की गजल अब जरूरत रह गई मिर्जा की गजल की क्या मतलब जरूरत क्यों नहीं जब मिर्जा खुद ही यहाँ बिराजने लगे हैं तो फिर गजल कैसी मुबारक हो उनका आपके यहाँ आना मिर्जा का हमारे यहाँ आना घास तो नहीं खाई है आपने ऐ भी अम्मा सुना भी है क्या कहते हैं तुबला कोतवाल साहब हटिए जी हम तो इनकी शक्ल तक नहीं पहचानते तो ये किस्सा क्या है मैंने खुद मिर्जा को आपके यहाँ से निकलते देखा है भूत होगा मिर्जा का कैसी बातें करती हूँ अम्मा उनका भूत क्यों हो खुदा करे उन्हें तो ख्वाजा खिज़्र की हयात दे अल्लाह लाइए मिर्जा की गजल है बस के हर एक उनके इशारे में निशान और है अल्लाह है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और मुझे थाम लो अम्मा जाने ये मैंने क्या कर दिया क्या कुछ कह दिया मिर्जा जी को और वो खफा होकर चले गए मुझे ऐसा बदकिस्मत भी कोई होगा खुदा खुद जिसके दरवाजे पर आया और उसने उसे लौटा दिया ना उठाया ना बिठाया ना राह में आंखें बिछाई ऐसे लोग रोज रोज नहीं आते माँ ये भी कोई चांद सूरज है जो रोज निकले और रोज डूब जाए आधा घंटे बजा जी सर हम ठहरो ये इतनी सवेरे आप कहां से तशरीफ ला रहे हैं जी मुशायरे से वही जो रात के एक बजे खत्म हुआ अब तो सुबह हो रही है कहाँ रहे इतनी देर ये दोस्त मिले बातें हुई देर हो गई अच्छा ये तो बताइए मुशायरे में क्या खाक उड़ाई आपने जी खाक भी नहीं खाक उड़ाने वाले वहां और कम थे ये खोखों क्या लगा रखी है आए हैं तो अब आ ही जाइए आता हूँ हुजूर जरा जूता उतार लूं तो घर में दाखिल हूँ
सारी रात यहाँ तहज्जुद पढ़ी गई है, कहीं मुसल्ला बिछा है, कहीं रहल रखी है, कहीं वजू की चौकी है, घर भर मस्जिद बना हुआ है। मैं गुनहगार आती भला एक आबदा जाहिदा बीवी के यहाँ जूते समेत कैसे घुसाऊं? अब नखरे न बगारिए, सच बताइए, दुआएं कबूल कर ली मेरी अल्लाह मियां ने? ये तो आप जाने आपके अल्लाह मियां, मैं दोनों के हिसाब में दखल नहीं दे। दुश्मन हो गए जो ना बताओगे। मुशायरे में कामयाबी हुई? बहुत। गजल क्या पढ़ी बेगम, मुशायरे भर को सांप सूंघ गया। दाद देने वाले दो ही नफर थे, मुफ्ती साहब और नवाब शेरता, खुदा उन्हें सलामत रखे। तो क्या आपके दुश्मनों को? दुश्मनों को नहीं बीबी, मुझे ही नाकामयाबी हुई और बहुत बुरी तरह हुई। वहां से कबाब हुए आया तो यहाँ अब्बा जान ने दम पोख्त कर दिया। उनकी बातों पे न जाइए, ये तो उनकी आदत ही है। ठीक है बेगम, मगर अब मैं यहाँ न रहूंगा। कल ही मियाँ काले साहब अपनी हवेली में उठाने को कह रहे थे, तुम क्या कहती हो? मैं क्या कह सकती हूँ, जहाँ जाएंगे मैं भी चली चलूंगी, कदमों से लगी रहूंगी आपके। बेगम, सिर्फ तुम भी ना होती तो जाने मैं अपने आप को क्या कर बैठता। चलिए मैंने चलिए, क्या कर रही हो तू? चल चल चल, शाबाश 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 शाबाश, खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारी बकरी इसमें बेकार आ गया। चल जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। शाह साहब, मेरी बेगम भी आपका शुक्रिया अदा करती हैं। क्यों शर्मिंदा करते हो मिर्जा नौशा, मकान तो खाली पड़ा था, तुम लोगों के आने से आबाद हो गया। शुक्रिया। और कहो, कुछ रुपए पैसे की जरूरत है? जी नहीं, शुक्रिया, अल्लाह का फजल है शाह साहब, सरकार अंग्रेजी से 2000 सालाना मिल जाता है, गुजर हो जाती है, और फिर आपकी दुआ से आगरे में कुछ ज्यादा दिमलाक भी है। बंदगी अर्ज करता हूँ मिर्जा साहब। ओहो मथुरादास, कहो भाई कैसे आना हुआ? हुजूर वो पिछला हिस्सा। ओहो हाँ, मैं समझा समझा, काले साहब कबला में अभी हाजिर हुआ। रुपयों को आहिस्ता बोलो आहिस्ता बोलो लाला, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा, इत्मीनान तो रखो। इत्मीनान क्या खाकर रखू, कुल 2 किस्तें भिजवाई थी आपने, इसके बाद 5 महीने हुए आपने एक पाई नहीं भेजी। लाला, हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर कोई किसी का एक तांबे का पैसा भी रखता है तो अल्लाह के हुजूर में उसे सोने की अशर्फी देनी पड़ती है। अब तुम्हें फिक्र किस बात की? फिर कह दी ना अपने शायरों वाली बात। अरे भाई, मुझे अल्लाह के पास थोड़े ही जाना है, मुझे तो जाना है भगवान के पास। अच्छी बात है लाला, जहाँ मर्जी हो चले जाना, लेकिन अभी तो बख्शो। फिर कब हाजिर हूँ? अभी चले तो जाओ मेरे भाई, फिर हाजिर भी हो जाना। अच्छा मिर्जा, मगर मैं पैसों के लिए ज्यादा दिन नहीं फेरूंगा। मिर्जा नौशा, ये मथुरादास महाजन कैसे आए? यूं ही आगरे के पुराने दोस्त हैं, कुछ पैसा इनके पास जमा कर रखा था, कह रहे थे वापस ले लो, सूद बहुत हो जाता है। अच्छा अच्छा, खुदा खुदा हाफिज। तुम भी अच्छे वक्त पर आए महाजन जी। ओ बेगम, इतने पैसे जमा हो गए महाजन कने, मुझे भी कोई बनवा दो जोशन। बनवा दूंगा, इन ठूट से बाजुओं में बेटा खेलेगा तो जोशन भी हो जाएगा। हाँ अल्लाह, बेटे का इतना ही वो है तो क्या बेटे जने नहीं मैंने? अब इसमें मेरा क्या कसूर, इधर पैदा हुए उधर अल्लाह को प्यारे हो गए। बड़ी कल्ला दराज हो बेगम। हाँ हाँ, मैं ही कल्ला दराज हूँ, आप तो चुप्पू मियाँ हैं बेचारे। अब आते ही कहाँ चले? जा रहा हूँ जरा जायका बदलने, कल मियाँ आमों की दावत है मुफ्ती साहब के यहाँ। सुभान अल्लाह, जिस मुल्क में फल आम पैदा होता है क्यों ना उस पर दूसरों की निगाहें हों, किस कदर मीठा है। मिठास तो गन्ने में भी होती है। क्या बात करते हो नवाब साहब, मुझसे पूछो तुम्हें खबर क्या है, आम के आगे नए शकर क्या है? क्या कहने हैं? नए शकर में सिर्फ मिठास होती है और इसकी मिठास में हल्की सी तुलसी भी, जैसे किसी औरत में खूबसूरती हो और थोड़ा नमक भी। आम अच्छी चीज है वल्ला, मगर इतना भी क्या, देख लो
गधे भी नहीं खाते। जो गधे हैं वही नहीं खाते। सुनिए, आम की सिफत में एक शेर अर्ज करता हूँ। इरशाद फरमाइए। साहिबे शाखो भरगो बाहर है आम, नाज परवरदे बाहर है आम। आमों के बारे में शेर कहा वो भी मुश्किल। मैं पूछता हूँ, आप आसान क्यों नहीं कहते? शेर समझ में आए तो दाद मिलती है, नहीं तो फरियाद होती है। कौन अहमक है जो सुखन नाशनासों से दाद चाहता है? न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, अगर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही। भाई मुझे इनके बारे में मीर तकी मरहूम का कौल याद आता है। उन्होंने फरमाया था कोई राहबर उस्ताद मिल गया तो बहुत बड़ा शायर बनेगा, वरना मुहम्मल बनेगा। अच्छे अमीर फैसल बने हो मुफ्ती साहब। उनके इशारे में निशान करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमान। रब न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात, यार रब न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जबां, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जबां। तुम शहर में हो तो हम क्या गम जब उठेंगे, तुम शहर में हो तो हम क्या गम जब उठेंगे, ले आएंगे बाजार। इस शायर हकीर को अमीर ने रद्द कर दिया, उसे फकीर गाते खबर। हाफिज़ जी, हाफिज मियाँ, ये गजल आपने कहाँ से पाई? जी देन तो अल्लाह मियाँ ही की समझिए साहब, पर अपने पड़ोस में एक डोमनी रहती है, मुझे गरीब पे तरफ खा के सिखा देती है कि रोजी रोटी कमा सकूं। क्या नाम है उसका? जी नाम तो मोती बेगम है, पर न जाने क्यों कुछ दिनों से वो अपने आप को चौधरी बेगम कहलाने पर इसरार करती है, और जब गाती है मिर्जा ही का कलाम गाती है। मगर आपका क्या ख्याल है मिर्जा के बारे में? और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां, कहते हैं कि गालिब का चले मिलता जहाँ मेरे अशार के माने समझे जाते। अजब सुरी है यार ये मतलब। मोती बेगम दुर्ग में क्या शोर मचा रखा है? तू आराम भी नहीं करने देता। अच्छा तो पड़ी रहा करो आराम, दरवाजे पे मिर्जा खड़े हैं। तेरी जान खत्म बीबी, वही तो है जो उस दिन आए थे। क्या मैंने सी कमीज चिकन से सलवार पहन रखी है? मैंने अम्मा जल्दी कपड़े निकालने से फिर जब तो बातों में लगाई रखी फिर लाइए ऊपर। अच्छा मेरी, अच्छा मेरी अम्मा फिर मेरे बाल बना दीजिए तो खुद ही बना ले, मैं नौकर हूँ तेरी। ये अच्छा नहीं रोज दो दिन बात नहीं आना, जितने मन उतनी ही बातें बनेगी और मुझे अपनी बात बन जाएगी। Thank you.
आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। बिन बुलाए तो हम खुदा के घर भी न जाते, मगर उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए न बने। यही समझ लीजिए, हाफिज मियां गाते मिल गए, आपकी दी हुई गजल में दावत का पैगाम पाया, चला आया। अरे मैं आपकी नवाजिश का क्या कहूँ, वरना उस दिन तो मैं आपकी शान में क्या कुछ कह गई। नहीं तो वो सब तो उससे कहा था जो उस दिन आया था, मेरी तो आपने तारीफ ही की, बल्कि मेरे लिए मुझे से लड़ गई। बात लड़ाई तक रहती तो अलग थी, मैंने तो आपको घर ही से निकाल दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हम दोनों के बीच में जो मैं था निकल गया, हम ही हम रह गए, हम उसके हैं हमारा पूछना क्या। आप कितने बड़े इंसान हैं मिर्जा साहेब, मैं तो सोचती थी दोनों जहान में भी न बख्शी जाऊंगी कभी, वो सब होने पर भी आपने मुझे इस काबिल समझा। कैसी बातें करती हो चौधरी बेगम, अपने आप को हेठ समझती हो, मगर तुम्हारा भी क्या कसूर, तुम भी उनमें से हो जिन्हें खुद अपनी कीमत नहीं जानते। राह बड़े पत्थर की भी कीमत होती है। क्यों नहीं, निगाह पड़ जाए तो पत्थर भी हीरा, न पड़े तो हीरा भी पत्थर। तुम क्या हो ये मुझसे पूछो, जो मुशायरे के रोज शिकस्त खाया हुआ, जिंदगी से मायूस, खुदा से शिकवा करता आ रहा था, पिला दे ऊब से साखी, जो हमसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता न दे, शराब तो दे। उस वक्त अपनी फजल तुम्हारी जबानी सुनी, यूं मालूम हुआ जैसे खोई हुई मंजिल मिल गई। मिर्जा साहेब। हाँ चौधरी, और आज आज फिर वही आलम है, मैं घर का सताया, दोस्तों का ठुकराया हूं, यहां आया हूं, मैं खो गया हूं, तुम एक बार फिर मुझे मेरा पता बता दो। मिर्जा जी, मेरी जाने कब की तमन्ना थी कि आपका कलाम हो और आप ही के सामने गाऊं। आए आज तो मैं अल्लाह से और भी कुछ मांग लेती। हाँ मोती बेगम, देखो मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, कुछ पहुंचियां तोड़े, कुछ झूमर छपके। शेरों से तो बुरे नहीं, मगर कोई शेर ऐसा भी होता है कि आपकी सारी दौलत भी उसे नहीं खरीद सकती। यही एक अशर्फी आपका पूरा दीवान खरीद सकती है। तो फिर खरीद देखिए। हाय कोतवाल साहब, आप आ गए। आई आई। हाँ बड़ी भी, और आपकी बेटी के लिए नजराना भी लाया हूँ। जेवर? हाँ, कितने अच्छे जेवर है मेरी बेटी के। मिर्जा जी, मिर्जा जी। मोती बेगम। मोती बेगम नहीं, चौधरी बेगम। तो आपकी छोकरी अभी सामने हो और तू मिर्जा से आंखें लड़ाती है, मेरी मोहब्बत का मुंह चढ़ाती है, जानती नहीं मैं कौन हूँ? तेरे ऐसे कई रंगे सियारों के धुर्रे किए हैं। कोतवाल हूँ दिल्ली शहर का। आए कोतवाल साहब, आप इसकी बातों पे न जाइए, ये तो सौदायन है। हाँ मैं सौदायन हूँ, मगर इनकी नहीं। गाश पड़े मलूम, तो कोतवाल से उस मुई भाट का मुकाबला करती है? शुक्र नहीं करती, शहर का हाकिम तेरा वजीफा पड़ता है, नहीं अपनी जात को मुंह कौन लगाता है। तेरी शादी होगी तो इनसे और किसी से नहीं। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं लड़की हूँ, कोई चोर मुजरिम नहीं, कानून के कोड़े पड़ते रहे जिसमें। सुन लिया बड़ी भी,
यही फैसला है तुम लोगों का? आए नहीं कोतवाल साहब, इसकी अकल को क्या करूं, नया रंग लाई गिलारी, दिमाग पे गर्मी ठहरी, कोई दिन में भूत उतर जाएगा मिर्जा का। मिर्जा को मैं समझ लूंगा, तुम निकाह की तारीख दे दो। जो तुम कहो। जुमे का रोज ठीक रहेगा? इतनी जल्दी? आज तो पीर का दिन है। तुम्हें क्या करना है, रुपया मेरा, बंदोबस्त मेरा, और याद रखियो जुमे के रोज हशमत खान दूल्हा बना आएगा और चलती आंधी झूलते झक्कड़ से दुल्हन को साथ ले जाएगा। किसके नाम है, किसे पहुंचाना है? जी मिर्जा को, और किसे? तुम सिद्धन को क्या समझती हो बीवी, हमें सब पता है। भले अफीम चकते हैं पर सातवें आसमान की खबर रखते हैं जी। नहीं जलीली, आज अपन एक बहुत जरूरी काम। अरे अल्लाह कसम, आज तो आंख नहीं टिकती तुझे। गोरी गोरी बहियों पे प्यारी प्यारी चूड़ियां, दुपट्टे पे बहुत भाई दिल लोग को, तुम गिलौरी बना के रखो, हम अभी आते हैं। हाय हाय, खाते जाना लगे हाथ, इतना भी क्या है? अरे तुम नहीं जानती जलीली, काम ही कुछ ऐसा आ पड़ा। अच्छा? आज कोई जिन कोई परी हमें नहीं रोक सकती। अच्छा
फिर शैतान का घर आ गया सामने। अरे चांदू का नाम मत लो जी, चांदू के नाम से नफरत है हमें। अब पीने वाले को देखे तो ना हो। अरे न पिया तो खून हमारा पिया था तेरी किया कसम डालिए भाई। अब तो एक कश लगाना ही पड़ेगा। पर सुनो तो सुनिए, सिर्फ एक कश ज्यादा कहोगे तो खुदा तुमसे समझा। हम एक बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। चलो ना बाबा। लगा झगड़ा मुझे झगड़ा। आओ सिद्धन मिया, ओ टीपू मिया तुम भी आ गए। तेरी शादी माँ बलहारी रची, तेरी शादी माँ बलहारी रची, तेरी शादी प्रीतम प्यारी रची, तेरी शादी प्रीतम प्यारी रची, तेरी शादी। आया कितने नहीं नासुक, मंगल की सुबह भेजा था, आज जुमेरात है, जाने खत के साथ कहाँ दफन हो गया। फिदन्या ए फिदन्या वालेकुम सलाम। हमें तुम्हारा खत गिरा पड़ा है भाई। अरे हाँ इसे तो हमें पहुंचाना था। लानत है इतना वक्त जाया कर दिया, मगर अभी भी कुछ देर नहीं हुई। कैसी देर, कहाँ की समय, हमारे कल हो जाया। नहीं यार मैं चला, आज मंगल है, अगले मंगल को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुश रहे तेरी नगरी जुमेरात है, जुमेरात है भला भला। सखी बाबा सुन ले हमारी सजा, खुदा तुझको दुनिया की दे दौलते, फकीरों की झोली को भर दे जरा, जुमेरात है। क्या वक्त है यार, जुमेरात कैसी, जब जी चाहो जुमेरात बना दी। हजूरा जुमेरात ही फिर वही बात, हमारा मुझे बनाते हो बुरा। झगड़ा नहीं, नहीं कोई झगड़ा नहीं टीपू मिया, आप फरमाते हैं आज जुमेरात है, जुमेरात है। हाँ भाई पागल हो गया है, आज तो मंगल है, एक तामा मांगो बाबा मंगल है आज। हाँ मंगल, बिल्कुल मंगल, सोलवाने मंगल, अल्लाह रहम करे। खलकत खुदा की, हुक्म बादशाह का, कल जुम्मा के रोज शहर मेरठ में मेला होगा, जो सदाकर अपना माल लाएगा उसे महसूल चुंगी माफ। कल जुम्मा, आज जुम्मे रात, तो बीच में से ये बुध कहाँ गया। हमारा यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आप समझा, अम्मा उस दिन मंगल था, था? पढ़े रहे तो बुध हो गया, हो गया। और जाने दो जुम्मेरा, जुम्मेरा जुम्मेरा है राय मौला, कुछ मिल जाए बाबा। लो बाबा लो, तुम जीते हम हारे, शुक्र है आज जुम्मेरात ही है। अल्लाह भला करे, जुम्मा नहीं है, अपन को तो एक बड़े जरूरी काम से जाना है। अच्छा नहीं जाना था, क्या बात है कल्लू, दरवाजा नहीं खुलता। जाहिर हुजूर क्या फजीता है। पहले मेरे खुसर मुझे रोकते थे, फिर बेगम रोकती रही, और अब ये दरो दीवार में मुझे रोकने लगे हैं। हुजूर
कोई सोया पड़ा है बीच दरवाजे के। उठो खाना दो। मैं सिद्धन हूँ हजूर। हाँ जी, आज क्या दिन है? जुमा है। जुमा जुमा? हाँ लागत है। शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का। ये खत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सरकार। मैंने कहा देर ना हो जाए, इसलिए सवेरे ही सवेरे चला आया। मेरे मुझ पे हजार सलाम। न जाने ये खत मैं आपको क्यों लिख रही हूँ। जानती हूँ आप पर मेरा कोई दावा नहीं, कोई हक नहीं मेरा। जब भी मेरा दिल आवाज देता है, मैं अपना दुखड़ा आप ही के सामने रोऊं। मेरी माँ 2000 टकों के बदले मुझे अपने साहब के हाथ बेच रही है, और मैं बिकना नहीं चाहती। आप शायर हैं, जमाने का दर्द है आपके दिल में, क्या आप मेरा दर्द न बता सकेंगे? इस वक्त जबकि हर छोटा बड़ा मुझे नसीहतों से छलने किए दे रहा है, मुझे आप ही के शेर का सहारा है। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, आपकी चौहान। वहां क्या अर्ज करूं हुजूर? कहना खत मिला, सरकार से आ गई थी परेशान। हमसे छूटा किनार खाने वादे जाए गिरह में माल कहां। माल की आपको क्या फिक्र है, बस एक कसीदा और लिख डालिए, माल ही माल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है भाई, माल का बंदोबस्त है। देखिए क्या होता है, अपने नाम से खेले तो हमेशा हारे, आज किसी दूसरे के नाम से खेलते हैं। बाबा ये किस तालेमन के नाम से खेलते हो बाबा? तालेमन नहीं भाई, हाजतमन। हाजतमन कहाँ मरखा करते बता, कहाँ से उनको खत दिया मैंने? सब तो खेलते मुझे दिया उन्होंने, टुकड़े टुकड़े तो नहीं करती। नहीं जवाब दिया उन्होंने। अरे जवाब ही तो दे दिया दीदी, कहने लगे कहियो खत मिला, अहवाल से आगाही ली। और कुछ नहीं कहा? नहीं दीदी। मेरी दूसरी के माशा तुम्हें से देना थे। ये क्या नवाब साहब, बीच जीत के उठते नहीं देखा किसी को। तुम भी टकसाल बाहर खिलाड़ी हो मियाँ, उल्टा हारने वाला नहीं उठता। ऐसे में हम न जान देंगे खुदा की कसम। नहीं नौशाद मियाँ, मुझे जरूरी काम है। अच्छा तो एक शर्त है, वादा कीजिए एक बाजी उधार रही हमारी। ये बात मंजूर है। अच्छा तो फिर खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल चुकी है बारात, वहां से चल भी चुकी। और यहाँ किसी ने कुछ किया था नहीं, ये क्या कहाँ मर गई? कल कला इनका भी ब्याह होगा, इनका दौरा न करूंगी। हाँ मैं अकेली आज कहाँ कहाँ मर गई। बस खत्म हो गई कहानी। हाय कितनी लंबी कहानी सोची थी, सुनने वाले जागते रहेंगे, मैं ही कहते कहते सो जाऊंगी।
अरे कहीं मरो जागे कसम करो भैंस की नानी, क्या नींबू पुगरा रही है, सारा नशा हिरन कर दिया। अरे लीजिए ना सिद्धू मियां, लाहौल विला खुद कहाँ गई मेरी अफीम की डिबिया, मेरी चुनिया बेगम, मेरी दिलदार, ये नहीं हसी। अरे मरो कहीं जाके तपस। ये क्या हुआ मेरी है, लगा भी से मेरी दीदी नहीं, मेरी दीदी, मेरी दीदी सुनती है जल्दी आ। तुझे बंद कर, भाग की कसम, तुझे मेरी कसम, मुझे मत रोक, छोड़ दूँ, छोड़ दूँ। पागल हो गई है दीदी, मैं उस फेरी के हाथ में लगूंगी, छोड़ दे, मैं कैसे छोड़ दूँ, मुझे नहीं क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है। लो संभालो अपने दुल्हन को, असीम का अंटा खाने चली। हाँ मैं मर गई, मेरी बच्ची क्या करने चली थी, नहीं पूरी मुझे क्या पता था कि इतना बोल मिल सका, मुझे जाने दो ना, मैं जीना नहीं चाहती, गलती माफ कर दे बेटा, मैं कुछ भी हूँ फिर भी माँ हूँ तेरी, देख मेरे सुजन पास, क्यों नहीं जा रहा कोसा, बाहर में जा उसका जेवर और मार, सिद्धर आ सिद्धर, गिरना कोसा की हजार बारह तरफ से, पर बारह तो कभी भी चल चुकी दीदी, और बाज करे जा ना, जहाँ भी है रोकते, मुझे बारह नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी चाहिए, मैं खुद जाती हूँ और रोक देती हूँ मैं कोतवाल को। बड़ी दी। हाँ मिर्जा जी, तुम आ गए मिर्जा जी, तुम कितनी अच्छी हो। तुम भी कितनी अच्छी हो बड़ी अम्मा, जो बेच रही हो अपनी दुलारी को, दुख की मारी को, माँ होते हुए एक मर्दमपुर के हवाले कर रही हो बेटी को। नहीं नहीं मिर्जा जी, झूठ क्यों बोलती हो, ये खत किस बात की फरियाद, वो बारात किस चीज की मुनादी है। मेरी गरीबी की, मेरे इफ्लास की, मैं निगोड़ी मुसीबत की मारी बेटी को बेचकर कर चुकाने चली थी, हाँ ये पैसा ने कितने फसाद की जड़ है सारी। ये रहा पैसा मिर्जा जी, कल कला कोई मत ये कहे कि पैसा न था, एक मासूम की मासूमियत बिक गई, एक मोमिन का ईमान चला गया। आप सब कोई नहीं इस दुनिया में मिर्जा जी, मैं तो पहले फैसला कर चुकी थी, आप खुद जाइए चौधरी को खुशखबरी सुना दीजिए, मेरी तो हिम्मत नहीं बढ़ती। मैं आ गया। चले जाओ यहाँ से, मैं कहती मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, एक लड़की को मजबूर देखकर तुम विशाली फरमाती हो, पैसे और दौलत से खरीदना चाहते हो, मैं जिसकी होना थी हो चुकी, निकल जाओ मेरे यहाँ से, निकल जाओ चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? उस नकार खाने में मुझ सूचे की कोई नहीं। हाँ अब मैं क्या करूँ, मिर्जा जी ने तो भेजा था तेरे पास, वो मिर्जा जी तकलीफ होती नहीं, मैं सच्ची कोतवाल, अम्मा उन्हें बुला लो, मिर्जा जी को जाने मत दो, मिर्जा जी आई क्या मिर्जा जी होती। मिर्जा जी
दरे बाजार मिर्जा मिर्जा चिल्लाने से मतलब। चल अंदर, छोड़ दो मुझे। अंदर मत, अंदर मत। कैसी आई छोड़ी बाजार के चिल्ला रही है मिर्जा जी, मिर्जा जी। कैसे कहीं करूंगा जानती भी है क्या कह रही है गुड़िया छो। घर बुला के मेरी ये बेइज्जती, बड़ी नायिका बनी है। मैंने तेरे ऐसे कईयों के खन्ने ठीक कर डाले हैं। मैं कोतवाल हूँ। कोतवाल हो तो अपने घर में, कोतवाल से बड़ा बादशाह और बादशाह से बड़ा अल्लाह। तू कड़ी आंख तो कर। ये तेवर है, इस भूल में मत रहियो कि मैं यूं सारे बाजार पकड़ी उतरवा के चला जाऊंगा। तू, तेरा बाबा भी जाएगा। बाप परवरदिगार की कसम, बुढ़िया तेरी, तेरी इस बेटी की, इस बेटी के उस मिर्जा की मैं कभी न कर दूं तो करना जो करना है। अम्मा, अम्मा, मैं जी गई अम्मा, अम्मा मैं जी गई। मुझे तर यादा दिल जिगर तिशने पर यादा फिर मुझे दीदे तर यादा दम लिया कयामत ने हना बम लिया खाना कयामत ने हना फिर तेरा वक्त सफर याद आया फिर मुझे दीदे पर याद आया खाना खराब तो अब पीछे ही पड़ गई हमारे। मैं तो समझती हूँ हम मरेंगे भी तो शराब ही में नहलाए जाएंगे। अच्छा अच्छा हटाओ, जरा हुक्का तो भरवा दो। क्या रमजान शरीफ है, न पान न गिलोरी न हुक्का न गुड़गुड़ी। वही तो मैं भी कहती हूँ, घर में झींझी कौड़ी नहीं, वजीफे के पैसों की भी अपी डाली, घर में और तो कुछ नहीं। खुदा खुदा करो बेगम, क्या बक रही हो। अल्लाह ही जानता है, मैं तो हजारों बार तरह दे जाती हूँ।
मगर जब नहीं रह जाता तो बकने लगती हूँ। आपकी इन बातों ने मुझे बेहया बना दिया। बेगम, मथुरादास महाजन आए हैं हुजूर। ए लो, निपट लो। अब निपट क्या लो? अब क्या होगा? होगा क्या, वही जो अल्लाह को मंजूर। तेरे अल्लाह को कोई अच्छी बात भी मंजूर है? आओ भाई मथुरादास जी। आधा वर्ष करता हूँ मिर्जा साहब। आधा वर्ष है? दिन चढ़ते ही महाजन जी। हाँ मिर्जा जी, जितने दिन चढ़ेंगे उतने ही पैसे बैठ के बढ़ेंगे। आज का दिन छोड़कर कुल 2,790 रुपए हो गए। मिर्जा साहब, अब मेरा हिसाब चुका दीजिए। कैसे चुका दूं महाजन जी? देखिए, अब मुझसे सबर नहीं किया जाता। अब दीजिए तो दीजिए, वरना मैं काले खां साहब। ठहरो मथुरादास, ठहरो। पगड़ी अपनी संभालिएगा मीर, और बस्ती नहीं ये दिल्ली है। मैं हकीर पेशा फकीर आदमी, कैसे दूंगा ये रकम? मेरा सरमाए हयात तो फकत यही शेर हैं, चंद तस्वीरें बुतां, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। यही ले जाओ भाई। मिर्जा साहब, आप भी मजाक करते हैं, भला बाजार में इन शेरों का क्या मोल? ठीक कहते हो मथुरादास जी, पैसे की दुनिया में शेर का क्या मोल। जब भी तुम्हें रामपुर दरबार में ले जाओ, 200-400 रुपए जो मिल जाए गनीमत है। ये शेर बिकाऊ नहीं महाजन जी, अभी ये कड़े ले जाइए, जब अल्लाह हमें देगा तो आपको भी देगा। नहीं नहीं बेगम, मुझे ऐसी मौत न मारो। नहीं भाभी, मैं सूदखोर जरूर हूँ पर इतना कठोर नहीं। मैं तो मिर्जा साहब को अपने फर्ज की याद दिलाने आया था, जब कुछ हो जाए इत्तला दीजिए, अगर 100-200 की जरूरत हो तो और मंगवा लीजिए। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? नहीं, नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझे इजाजत दीजिए। आधा वर्ष। आधा वर्ष। बेगम साहिबा से कहिए कि इन पैसों के लिए किसी दुबड़ा में न पड़े। आप ही है ना मथुरादास महाजन जी? नहीं, चली चली चली, मुझे मैं नाम ही भूल गया अपना, शायद मेरा ही नाम मथुरादास है और मैं महाजन भी हूँ। आपको जरा कोतवाली बुलवाया है। कोतवाली? मुझे हटाओ जी, हम कोई और होगा। क्या काम है? ये वहीं पता चलेगा, बड़े घर में। मुझे छोड़ दो, मुझे अपना छोटा सा घर ही पसंद है। चलो देखिए, मैं कोई चोर नहीं, चोर का भाई नहीं था तू। नहीं छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने किसी की चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, मैंने किसी की औरत नहीं भगाई, मैं एक गरीब बाल बच्चेदार आदमी हूँ। चलो चलो अंदर। हजूर महाजन हाजिर। महाजन हाजिर है। घबराइए नहीं महाजन साहब, किसी जुर्म की पादाश में नहीं, यूं ही पूछ गछ के लिए बुलाया है आपको। बैठिए। हट परे मर्दूद, मैं पहले ही कहता था कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। कोतवाल साहब इंसाफ पसंद है, बादशाह अदल गुस्तर। कोतवाल साहब फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बैठिए। तुम लोग जाओ, एक बात बताइए। फरमाइए फरमाइए। आप मिर्जा गालिब को रुपया तरस देते हैं? जी जी नहीं, जी नहीं, नहीं। जी मैं देता हूँ, देता हूँ, मगर रुपया कर्ज देना कोई जुर्म तो नहीं कोतवाल साहब? बेशक नहीं, मगर आप मेरे से सूद भी लेते हैं। जी, बिन सूद भी कभी रुपया कर्ज दिया जाता है? सूद की भी हद होती है महाजन साहब, दिखाइए अपना बही खाता। जी जी, इसमें तो कुछ जरा ज्यादा ही लिखा गया है, मगर मुझे असल भी मिल जाए तो मैं सूद छोड़ दूंगा सरकार। अच्छी बात है, तो मिर्जा की तरफ जो रुपए निकलते हैं आप मेरे पास से ले जाइए, और उनके नाम जो तमस्सुक है वो मुझे बेच डालिए। जी मगर वो। घबराइए नहीं महाजन साहब, मिर्जा मेरे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता
कि पैसे की अदायगी के बारे में कोई उन्हें परेशान करे। बाहे नेक ख्याल है आपका हुजूर, ये लीजिए। मुझे क्या है, पैसे मिल जाए तो समझ लो गंगा नहाए। ये रहा मिर्जा साहब का प्रमोशन। जाइए, पैसे आप ले लीजिए। शुक्रिया, आदा। बदला मैं लूंगा, खाक सिया करके न रख दू तो हशमत खान नाम नहीं। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब वल्द अब्दुल्ला खान बेग हाजिर हैं। मुद्दाले अदालत में इकरार करे या इनकार कि उसको रुपया मसादास महाजन का अदा करना है जिसका तमस्सुक शहर कोतवाल हशमत खान ने खरीद लिया है। हाँ हुजूर, मैं इकरार करता हूँ। और मुद्दाले ये भी बताए कि बावजूद मुतअद्दिद तकाजों के वो पैसा अदा न कर सका। जी हाँ सदर हुजूर। और मियाद 6 महीने की गुजर चुकी है। जी, लिहाजा कानून की रूह से फैसला किया जाता है कि मुद्दाले मुद्दई को शाम तक मुबलिक 2000 रुपया अदा करे और तमस्सुक छुड़ा ले। बसूरत अदम अदायगी मुद्दाले को 6 महीने की कैद का हुक्म दिया जाता है। सरकार आलिया, एक दिन की भी मोहलत न मिली। अदालत का फैसला बरहक है। मैं तो किसी तौर अदा न कर सकूंगा, मेरा तो सब कुछ बिक जाए जब भी 2000 रुपया न निकलेगा। फिर कैद के अहकाम जारी कर दिया जाए। सदरुस्सुदूर, ठहरो, मैं मुफ्ती सदरुद्दीन अपनी शख्सी हैसियत में मुद्दाले की तरफ से 2000 रुपये अदालत में दाखिल करता हूं। मुफ्ती साहब, अदालत बर्खास्त की जाती है। ये तो सब हुआ मिर्जा साहब, लेकिन ये तो बताइए कि आखिर आप इतने पैसों का करते क्या रहे? क्या बताएं साहब, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। बोल बोल क्या कहें मुफ्ती साहब। क़िबला, आज आपने मुझे हल्का बगोश कर लिया, मैं आपकी नवाजिशों को क्या कहूँ? नहीं मिर्जा साहब, ये आप क्या कहते हैं, मैं इतना बेगरज भी नहीं। और क्या गरज हो सकती है मुझ फकीर से? मेरे भाई के यहाँ लड़के की शादी हो रही है, राग रंग की महफिल होगी और मुशायरा भी। इसके लिए इतनी बड़ी रिश्वत? दोस्तों ने भाव बढ़ा दिया। क्या करें, आपकी वजादारी से डरते हैं। दरबार में गजल की कीमत न पड़ी, वहां जाना तर्क कर दिया। मुशायरों में भी कम ही शरीक होते हैं, लिहाजा यह छोटी सी खुशामद मंजूर है। तशरीफ लाइएगा। शुक्राना बजा लाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइश आई है कि मिर्जा नौशा अपनी वो गजल सुनाए, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। जरूर जरूर। साहिब गजल पुरानी है, फिर भी साहिब फरमाइश को सलाम करता हूँ और अर्ज करता हूँ। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं।
बहुत अच्छे। कटा कीजे न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। वाह वाह, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। अगला शेर है, तीसरा शेर, जरा ठहरिए, मैं भूल गया। मेरे होने में है क्या रुसवाई? तुम बीच में क्यों बोलती हो जी? माफ कीजिए बेगम साहिबा, आपके मुंह से वाह निकली, मेरे दिल से आह निकली। मेरे होने में है क्या रुसवाई, ऐ वो मजलिस नहीं खिलवत ही सही। वाह सुभान, क्या कहें, ये शेर किसी गालिब नवाब के लिए है। हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने, हम भी दुश्मन तो नहीं है अपने, गैर को तुझसे मोहब्बत ही सही। हम कोई पल के बता करते न कही इश्क मुसीबत ही सही। नाज क्या करती है लड़की? हम भी तस्लीम की खुदा लेंगे, नया भी तेरी आदत ही सही। यार क्या छेड़ चलेगा सदी, हसरत ही सही। मुफ्ती साहब किबला मैं चलूंगा। क्या बात है बेटा? मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं माफी चाह रहा हूँ। बेगम मुझे माफ कर दीजिए, मैं चलूंगी। कहाँ चलोगी? 50% दिए हैं, वापस कर दो तो जाओ। ये लीजिए, अब से माफ कीजिए बंदगी, मेरी तबीयत अच्छी नहीं। चौधरी बेगम, तुम? जी मैं, हमेशा आपको पुकारने आऊंगी और आप हमेशा तरह देकर निकल जाने वाली। ये बात नहीं चौधरी बेगम, मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था, मुबारकबाद देना चाहता था शायद। हाँ मिर्जा साहब, आप न कहेंगे तो और कौन कहेगा? क्या मतलब, शादी नहीं हुई तुम्हारी? हो चुकी, मगर कोतवाल से नहीं। कोतवाल से नहीं? तो फिर आप ये पूछते हैं, सिर्फ चाहिए मिर्जा जी, मैं आप ही का नाम ले ले सकती, मगर लेने देने की संबंध आप जब भी आए, आसमान में ऐसी चाल चली आपके पास आते आते दूर हो गए। उस रात भी आपको होश में समझ बैठी और क्या कुछ कहते। जब ही पता चला मेरा मकसूद आया था, मुझसे एक हाथ की दूरी पर खड़ा था, मैं नसीबों जली में हाथ भी न फैलाया, फिर बहुत लपकी छपकी। मगर चौधरी, मेरे लिए लपक छपकी क्या जरूरत थी? मैं एक बेकार बेमसरफ आदमी, अलबत्ता शेर कह लेता हूँ जो किसी को पसंद नहीं आते। मेरे होते तो ऐसा न कहीं मिल, आपके शेर और आप ही तो मेरा सब कुछ है। ऐसी बात न कहो चो, मुझे गुनहगार न बनाओ, मैं पहले ही दिल और दिमाग की कश्मकश में मर रहा हूँ। दिल मुझे तुम्हारी तरफ ले जाता है और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं जो चाहती हूँ मुझे मिल गया, एक तमन्ना है मेरी, मेरे यहाँ आई
एक बार, सिर्फ एक बार मैं देखूं तो जब अजली और अबदी दूल्हा आता है तो जमाने की दुल्हन क्या महसूस करती है, कैसे मर जाती है वो खुशी से। चौधरी मैं आऊंगा, कल ही आऊंगा। कल यानी आज? कल जरूर आइएगा, मैं पल पल आपकी राह देखूंगी। क्या बात है बेगम, आज मुझे बहुत सजा बनाकर भेज रही हो। मैं कहती हूँ जैसे आप मुझे अच्छे लगते हैं वैसे दूसरों को भी लगे। कौन दूसरा? तुम्हें पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे क्या पता जी, मैं तो इतना ही जानती हूँ कि आप घर से बाहर जा रहे हैं। ओह हाँ, बेगम तुम रो रही हो? नहीं जी, ये आंसू तो यूं ही चले आते। ये अब ऐसे नहीं आते बेगम, कहीं गर्मी पड़ती है, बुखारात उठते हैं और आसमान पे छा जाते हैं। तुम्हें दुख किस बात का है? दुख नहीं, मुझे अफसोस है मैं आपकी दिलबस्तगी का सामान न हो सकी, आपके शेरों की जान न हो पाई। जब से मेरे पांव इस घर में पड़े अखबार ही बड़े, लेते की औलाद होती रेशम की बेड़ी जब बीवी मियाँ के पांव में पहना देती वो भी तो न रही। एक बात को मानिए तो कहो। आप दूसरी शादी कर लीजिए। बेगम नहीं, नहीं। अल्लाह क्या करूं, एक ने मेरा साथ दिया, दूसरी ने मेरा दिल लिया, एक ईसार की पुतली, दूसरी मोहब्बत का फरिश्ता। नहीं दिल ना बात तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल ना बात तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या है। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको
दिल ना बात जे हुआ क्या है जान तू कर निसार करता हूँ जान तू कर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता दुआ क्या है दिल ना बात तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है मोती मिर्जा जी अम्मा मिर्जा जी नहीं आए वो क्या आएगा तू खाई ना खाई इंतजार की आग में जलती बिरह करती है ऐसे बेमहर के पीछे पड़ी है कि तुझे पूछता भी नहीं ये बात नहीं अम्मा मैं जानती हूँ वो क्यों नहीं आए जब से शाही मुशायरे में उनकी हेटी हुई है वो अपने आप में नहीं उन्हें दुनिया का सब कुछ रूखा फीका मालूम होता है मोती 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 कल फूल वालों की सैर है मोती तुम ना चलोगे हमारे संग मिर्जा शाहरुख तख्त राह पे सवार निकलेंगे वो लिहाज ताम झाम में आएंगे बादशाह सलामत महल से जुलूस फरमाएंगे बादशाह अम्मा मैं सैर पे जाऊंगी वहाँ नाचूंगी गाऊंगी बादशाह को बताऊंगी मिर्जा कितने बड़े शायर हैं खबरदार घर घर से नहीं या कोई बेसवा जो नाचेगी गाएगी कुछ तो हया कर हया मेरी हया कैसी अम्मा मेरी हया मेरे सुहाग की बांधी कौन सुहाग कैसा सुहाग शर्म तो नहीं आती है मैंने बचाने के लिए तुझे ये पाठ लिया समझी नहीं मैं जाऊंगी जरूर जाऊं मोती तुम बड़ी वो बनी हो मोती आई है हुजूर हिंदुओं का पंखा जोगना से एक कोस रह गया है और मुसलमानों का पंखा दरगाह शरीफ से डेढ़ कोस इधर है रियाया क्या हिंदू क्या मुसलमान एक दूसरे के गले मिल रही है पंखों में शरीक हो रही है मैं वारी हुजूर के दुश्मनों की तबीयत नासाज है तो फिर क्या राज है आप कुछ फरमाते नहीं क्या मुशबंदी से कोई तकसीर हुई नहीं जीनत तो फिर क्या वजह है इस दिलगिरी की बाहर देखिए जमीन आसमान सब्ज मखमल के बन गए झरनों में चादरें गिरी हैं अमरोहियों में मोरों की झंकार है पपीहे की पुकार है हुक्म हो तो टर्मी खानम और दिलदार को बुलवाऊं मल्हार सुनवाऊं नहीं जीनत आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कुर्बान जाऊं आपके दिल के आईने पे बाल होगा तो हम रियाया का क्या हाल होगा यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बाप दादा ने ये सल्तनत बनाई चौकोट फैलाई अब गैर मुल्की हुक्मरान हो गए मैं सोचता हूँ क्या हमारे बाद ये सैरें ये बहारें रहेंगी या इन झरनों अमरीनियों का सिर्फ नाम ही नाम रह जाएगा सच है हमेशा रहे नाम अल्लाह का इस वक्त मुझे छोड़ दो मैं तखलिया चाहता हूं जो इरशाद क्या बात है बेगम साहिबा आप रो रही हैं क्या करूं हुस्ना आज मैंने जिल्ले सुभानी का वो रंग देखा है जो कभी नहीं देखा बहुत दिलगीर बैठे हैं हजार तरकीब की जी बहलाने की मगर हर बार तरह दे गए इन लड़कियों को क्या हुआ कोई नाचे गाए शायद तबीयत माइल हो उनकी Thank you.
बलम तेरी फैर हो, सैया तेरी फैर हो, दी बलम तेरी फैर हो। खिड़की की ओर कोई, खिड़की की ओर कोई बगिया लगाए दे, फूलों की सैर हो, दी बलम तेरी फैर हो, फूलों की सैर हो, दी बलम तेरी फैर हो। काबिल कहां, हकदार तो वो हैं जिनका कलाम है। मैं तो साया हूं सरकार,
बदन वही है, मिर्जा गालिब। मिर्जा, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। जजाकल्ला जीरक। दिन ढले जाओ और मिर्जा तक हमारा पैगाम तहनियत पहुंचा। कहो अब बहुत न रूठे, दरबार लगे चले आए। मिर्जा साहिब, हमें बहुत खुशी हुई आपसे शीश है। आपके दरबार से जाने से लेकर आज आने तक हम आपके शेरी हुसूल को रश की निगाह से देखते रहे हैं। आपके कलाम मौजूद निजाम और उसके बुलंद मर्तबे को तस्लीम करते हुए खिलत इनाम के अलावा हम आपको दबीरुल मुल्क और निजाम जंग के खिताबात से सरफराज करते हैं। आज से आप दरबार के शायर खसूती हैं, क्या सारे आपसे तलमुज किया करेंगे। हुजूर पीर और मुर्शद जिले सुभानी, मैं इस इनायत का कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं और मेरी आल औलाद इस बख्शिश पर हुजूर के जान माल की दुआ गो। तुम सलामत रहो हजार बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। आज तो मुंह मीठा करा, खिलाओ रेवड़िया। ऐ कुछ बोलेगा भी या यूं ही कहे जाएगा खिलाओ रेवड़िया? बता क्या बात है। अबे तेरे मिर्जा को हुजूर बादशाह सलामत ने नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क का खिताब इनायत किया। सच? हाँ, और खिलत और इनाम इकराम से मौला माल कर दिया है, चांदी की कटोरियां दी हैं, वजीफा बांध दिया है और शहजादे का अतालीफ मुकर्रर किया है। अल्लाह तेरा शुक्र है। और जानती हो ये सब किसकी बदौलत है? तुम्हारी। ना फिर दुनिया, ऐसी कुफर की ना कहो, ये तो उनका कलाम है जिसे दुनिया सलाम करती है। ये अल्लाह की देन है, मैं तो दुआ करती हूँ उनका एक बार दूना हो चौगना हो, मैं तो जश्न मनाऊंगी सुहेले गाऊंगी। वो अब तो हमारे यहाँ जरूर आएंगे, तब जश्न मनाना सुहेले गाना। हाँ फितन, हाँ, उनके लिए मैं घर सजाऊंगी बनाऊंगी, गरीब गुरबा को खिलाऊंगी, न जाने क्या क्या करूंगी। भाई हम तो जानते थे कि एक दिन ये होके रहेगा, पर यार उसका भी तो शुक्रिया अदा कर दो। किसका? जिसने बादशाह से तुम्हारी शादी करा दी। अजी वो वहीं जा रहा हूँ भाई। चलो मुकुमिया। हुजूर कहाँ? चौधरी बेगम के यहाँ। लेकिन हुजूर, ओ बेगम, बेगम वल्लाह इतनी खुशी है कि रो रही हो। बस करो जी, औरत का नाम ही रोना है। गमी हो तो रोना, खुशी हो तो रोना। मिर्जा जी, अल्लाह ने मेरी सुनी, मैं आप ऐसे के काबिल का, अब भी मुझे कदमों से लगा रखो। बेगम क्या बात करती हो, तुम्हें तुम तो हो मेरी। घर चलो। घर? हाँ हाँ चलो चलो। उठाओ भाई, चल रहे नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निजाम जंग। नौशाद अली, क्या सोचा तुमने मिर्जा के बारे में? जी मैंने लाख सरपट का, मगर कोई तरकीब ना सूझी। अब क्या सूझेगी? अब तुम्हारी फूकों से यह चिराग ना बुझेगा। ऐसी बात नहीं सरकार, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कोशिश कर रहे हो। हुजूर, दस जवारी लाल डिगी से पकड़े आए। मारो जूते, हवालात में बंद कर दो, कल अदालत में पेश करो। बंद जाओ हुजूर। ले अंदर। जनाब, जनाब। सूझ गई, सूझ गई तकीब कोतवाल साहब। क्या? ठीक है,
तुम दाना फेंको, मैं दाम बिछाता हूं। मैंने कहा जी, आप क्या कहती हैं जी? अपना भांजा है ना आरिफ, आ रहा है, उसे गोद ले लूं? किसी को तो बेटा कह के पुकारोगे? ना बेगम ना, मुझे डर आता है। मैंने जिस चीज को अपनी कहा वही बेगानी हुई। मैं नहीं चाहता आरिफ बेटे पर कोई मुसीबत आ जाए। हटो जी, मत ऐसी बातें जबान पर लाओ। तो फिर तुम्हारी मर्जी, मुझसे ज्यादा और कौन खुश होगा? पला पलाया बेटा मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए? मैं बिना किसी तरद्दुद के बाप और दादा बन जाऊंगा और तुम बिना किसी तकलीफ की माँ और दादी। चलो हटो। अच्छा बेगम, मैं अब चला। कर लू बंदा पड़ो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या फूल हैं। छोड़ूंगा मैं ना उस बुते काफिर का पूजना, छोड़े ना खल्क गो मुझे काफिर कहे बगैर। चलो मुखमिया। हुजूर कहाँ? वहीं जहाँ कब से जाने की कोशिश हो रही है। आज ही फरवादे का वक्त आ गया है मुखमिया। हाँ मिर्जा साहब, आज वादा वफा करने का वक्त आ गया है। गोड़ जूं की त्यों पड़ी रहा देख रही है आपकी, आज बाजी पूरी कर दीजिए। आज आज नहीं नौशाद अली, क्या तुम कल तक इंतजार नहीं कर सकते? बेअदबी माफ मिर्जा साहब, कल किसने देखा है? ये वादे की हुमली है, आज ही भुगतानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा भाई, मिर्जा जी नहीं आए, आएंगे भी नहीं। अब पता चला है, हमें बुत्ता दिया और निकल गई, गश्त लगाई, चहू और की हवा खाई, बदनामी उठाई, नतीजा वही ढाके तीन पा। नहीं अम्मा, तू शायर के दिल को नहीं समझती, वो अपनों को रुलाता है ताकि दूसरों को हंस आए, खुद को जलाता है कि औरों की दुनिया जगमगाए। मुझे यकीन है वो आएंगे, एक बार जरूर आएंगे, वो अपना वादा पूरा करेंगे। हो जाए 700 की, 700 की नहीं भाई, 50-50 की। तुम समझते हो कि मेरी जेब खाली है। लो इत्मीनान कर लो, वजीफे के पैसों की बहानी है मियाँ। पर सुनो, कायदे से गोट पीटना, शायस्ता खेल खेलना। सारे शायस्ता वायस्ता कुछ नहीं, गोड़ जब दौ पर चढ़ेगी पीट लूंगा। कहिए फिर पूछे अच्छे बारह। अमा बाहर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये अमा हम तो खुद ही जान देने बैठे हैं, ये कजा से मशवरे कैसे हैं को पाँच। अच्छा जी, ये लीजिए। फिर बारह? फिर बारह नहीं। आदाब अर्ज़ मिर्जा साहब, ये क्या हो रहा है नौशाद अली? कुछ नहीं कोतवाल साहब, जरा चौसर खेल रहे हैं। और नजमुद्दौला दबीरुल मुल्क निजामे जंग जनाब मिर्जा असदुल्लाह खान गालिब भी। मगर कानून की निगाह में गदा घोड़ा सब बराबर है। पहले बात करने की तमीज सीखो फिर बोलो। सख्त कलामी से पेश नाई मिर्जा साहब। खान साहब, फिर ऐसी खता ना होगी। कैसी खता? कौन कर रहा है? आप उठा लो ये सब सामान और ले चलो मिर्जा को भी। माफ कीजिए कोतवाल साहब, माफ कर दीजिए। मैं सब समझता हूँ, नौशाद तुम्हारा फरिश्ता है अशमत खान, मगर ये मत समझो तुम बच निकलोगे। तरगीब गुनाह भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना गुनाह। गिरफ्तार कर लो, पहना दो हथकड़ियां और ले चलो। दीदी
तुम भी मदाखलात में धर ली जाओगी। बेटी धर लो, मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो वरना मुझे भी साथ ले चलो। हशमत खान, इस मकान के नीचे एक दूल्हा मैं आया था, एक ये आया है, चलो। हाय, तुमने मेरी बेटी को मारा है? यार ढाई घड़ी की इस पे अल्लाह की मार, आदम की फिटकार, ये गोली पड़े तो उससे सकता मरे। गुले नगमा हूँ न पर्दे साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज। वाह मिर्जा साहब, शेर की चाट यहाँ भी न गई। छुट्टी नहीं है मुंह से ये कातिल लगी थी, जी तो नहीं हार दिया। हूँ गिरफ्तार उल्फते से यार, वरना बाकी है ताकते बर्बाद। आधा बर्ज खालू जान, तो हुआ जलवा गर मुबारक हो, रेज़शे सिज़दे जबीनी नियाज। कैसी हो आरिफ? अच्छा हूँ खालू जान। बहू कैसी है और नन्ना? अच्छे हैं, आपको सलाम भेजा है। मेरा सलाम देना, काश मैं खुद वहां होता, पर मेरा होना न होना बराबर है, होता भी तो इत्तेहाब पे फालिद गिर जाता। हिम्मत न हारिए खालू जान, सब ठीक हो जाएगा मिर्जा, तुम्हारे चाहने वालों में से हर एक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। आलम पनाह के कदमों में बंदी आदाब बचा लाती है। हमने तुम्हें पहचाना, तुम चौदहवीं बेगम हो, मिर्जा के चाहने वालों में से एक। क्या कहने आई हो? मैं सरकार की नवाजिश बेपनाह का वास्ता देने आई हूँ, हुजूरी अक्दस से इंसाफ की भीख मांगने आई हूँ। शाह आलम, मिर्जा नौशा को हशमत खां कोतवाल ने एक बहतान में पकड़ लिया है। हम जानते हैं चौधरी, हमें भी इस बात का उतना ही दुख है जितना शायद तुम्हें। आपके होते ये जुल्म, ये ना इंसाफी, आप हुक्म दीजिए आलम पनाह, मिर्जा को इसी दम रिहा कर दिया जाए। काश हम ये कर सकते हैं आलम पना। हमारे मुंह से ये बात सुनकर शायद तुम्हें हैरत हो चौधरी, मगर वक्त वक्त की बात है, न सदा उठी न आंसू बहे, और शहनशाह हिंद की हुकूमत जमुना किनारे तक रह गई। जिस इलाके में मिर्जा पकड़ गए हैं वहां हमारा नहीं फिरंगी रेजिडेंट का हुक्म चलता है। तो आलम पना, आप रेसिडेंट के नाम सिफारशी चिट्ठी लिख दीजिए, मुझे यकीन है शाही मुरासला देखते ही उसकी गर्दन अदब से झुक जाएगी। अच्छा, तुम ऐसा समझती हो तो हम मुरासला लिखे देते हैं। या अल्लाह, मैं कुछ नहीं कह सकती। हम कुछ नहीं करने सकता, बारा का बेटा हमको लूलू कहा, लूलू, और अब बादशाह हमसे सिफारिश करने लगे। बादशाह सलामत हमारे रोजमर्रा में दखल देने लगे सरकार, तो हुकूमत चल चुकी। बादशाह हुकूमत की राह में रोड़े नहीं अटका रहे, उनका फरमान है वाकई की अच्छी तरह छानबीन की जाए। मिर्जा कोई मामूली आदमी नहीं दिल्ली के। मामूली आदमी हो या गैर मामूली, हुजूर कानून कानून है। कानून क्या है और क्या नहीं ये मुझे आपसे नहीं सीखना है कोतवाल साहब। कानून ये नहीं कहता किसी को गुनाह के लिए उकसाया जाए और फिर उसे धर लिया जाए। गुस्ताखी माफ मुफ्ती साहब, कानून ये भी नहीं कहता गुना सरदर्द हो तो मुजरिम को छोड़ दिया जाए।
कौन मुजरिम, कैसा मुजरिम? मुजरिम नौशाद अली है। हम पूछते हैं नौशाद अली आपका भेजा हुआ आदमी था या नहीं? नहीं था सरकार, मगर क्राइम चाहे इंस्टिगेशन से किया जाए या अदरवाइज, क्राइम इज क्राइम। यू मे गो जेंटलमैन। मतलब यह कि मिर्जा की कैद बहाल है, अब आप तशरीफ ले जाइए। मैं तो चली जाती हूँ हशमत, मगर इतना याद रखो कि इस झूठ और बेईमानी के बदले कुत्ते की मौत मरोगी। मांगे पानी ना मिलेगा, पाई पाई का हिसाब दोगे खुदा की बारगाह में। सरकार है तेरी, गरीबों का तू दाता है, तेरे दर पर जो आता है वो कुछ लेकर ही जाता है। जो तू चाहे तो घर उजड़ा हुआ आबाद हो जाए, कोई मजबूर गम की कैद से आजाद हो जाए। हाँ सजदे में है सर, तुझ पर है नजर, सजदे में है सर, तुझ पर है नजर, शिकवे भी जबां तक आ पहुंचे थी, शिकवे भी जबां तक आ पहुंचे थी, शिकवे भी जबां तक आ पहुंचे। हाँ ओ दुनिया के मालिक देख जरा, ओ दुनिया के मालिक देख जरा, दीवान यहाँ तक आ पहुंचे थी, दीवाने 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 हो हो, दीवाने यहाँ तक आ तुम्हें दीवाने यहाँ तक आ पहुँचे, शिकवे की जबां तक आ पहुँचे। भटकती फिर रही थी आरज़ू गम की राहों में, हाँ यकायक तेरी सूरत फिर गई मेरी निगाहों में, दरबार में तकदीर बनती है। जलता है बदन बुझता है जिगर, जलता है बदन बुझता है जिगर, जलता है बदन बुझता है जिगर, कर अब तो करम ले अब तो खबर, कर अब तो करम ले अब तो खबर, कर अब तो करम ले अब तो खबर। चिलमन से निकल कर देख जरा, हाँ चिलमन से निकल कर देख जरा, परवान कहाँ तक आ पहुँची, परवान कहाँ तक आ पहुँची, परवान कहाँ तक आ पहुँची, ओ परवाने 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 हो, ओ परवान कहाँ तक कहा, शिकवे भी
जबां तक आ पहुंचे। या हद, क्या मेरे मियां को वजीफा खिताब इसलिए दिया था कि उन पर इताब ना सिर्फ इसलिए इज्जत और तकरीम दी थी कि वो जेल की हवा खाए? बोलन, कौन है आपकी मियां? क्या बताऊं बीबी, मिर्ज़ा ग़ालिब। मिर्ज़ा ग़ालिब? क्यों बीबी, तुम उन्हें जानती हो? मैं सुना है बड़े नेक आदमी हैं, बड़े खुदा तरस। वो खुदा तरस तो है मगर खुदा कौन से तरस नहीं। क्या हुआ, होना क्या था? अच्छे भले दिन निकल रहे थे, हम दोनों मियां बीवी के बीच एक डोम लड़की चली आई, जिसने खाना पर बात कर दिया, घर ही उजाड़ के रख दिया मेरा। नाउज़ बिल्ला, ये भी तो हो सकता है बेगम। वो लड़की बेचारी मशीहत की मारी जानती ही ना हो कि वो क्या कर रही है। मोहब्बत अंधी होती है मगर रास्ता दिखाती है। वो खुद को जलाती है, महबूब को जलाती है। ये मोहब्बत कहाँ की जो अपना घर आबाद कर ले और दूसरे का घर बर्बाद कर डाले? उस लड़की को सच्चा प्यार होता तो मिर्ज़ा जी पर आफतों का पहाड़ टूटने से पहले खुद ही टल जाती। जाती मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती है ख्वाजा, तू अपने कर्म की बख्शिश इस नेक बीबी की बेदाग छोली में डाल दे। क्यों मोती, खत्म हो गया मुकदमा? हाँ माँ जाने, खत्म हो गया, हार गया जिंदगी का मुकदमा। मोती, मोती, अरे फितर, अरे फितर, तेरा पानी तो लूँ। अल्लाह शाफी। मैंने क्या कसूर किया है? हर चीज मुझे मारने पर क्यों तुली हुई है? नहीं बेटा, तुझे बहन हो गया है, अब मैं यहाँ ना रहूंगी अम्मा। दिल्ली की हर चीज मुझे काटने को दौड़ती है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं मिर्ज़ा की दिल्ली में ना रहूंगी। हाँ मैं तुझे कहाँ ले चलूँ? कहीं भी ले चलो अम्मा, मेरी मिट्टी मुझे पुकार रही है। कोई ना हो,
मुबारक हो मिर्जा साहब, रिहाई मुबारक। शुक्रिया। मैं आपकी क्या नजर करूं जेलर साहब, बस यही रह गया है मेरे पास, थोड़ा मुश्क नाफा। हमारे लिए यही बहुत है मिर्जा साहब, इसी मुश्क नाफे की तरह एक दिन दुनिया जहान में आपकी खुशबू फैल जाएगी। लो, जिसे प्यार करते हो उसे दे देना, ये थोड़ा मैं अपने लिए रख लेता हूं। कल्लू बेगम, दरवाजा खोलो दिल्ली वालों, दिन दहाड़े ही सो गए। कौन हूँ भाई? मैं गालिब हूँ, चौधरी बेगम से कह दो गालिब आया है। वो उठ गई, चली गई यहाँ से। चली गई? कहाँ चली गई? वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम। अब किस अल्लाह के बंदे से पूछूं? हाफिज जी, हाफिज जी, कुछ चौधरी का पता? मिर्जा जी जाने कहाँ चली गई, खुद तो गई साथ हम गरीबों का रिस्क भी ले गई। या अल्लाह, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इतना ही सुना है कि महरौली की सराय से एक आवाज़ आती है, मगर करीब जाएं तो गुम हो जाती है। महरौली की सराय से? मेरी बेटी को जिंदगी से नहीं उठा रहे दुनिया से। हौसला करो बीबी। क्या हौसला करूं, 10 दिन हो गए ऐसी पड़ी है मेरी बेटी, मौत और जिंदगी के बीच, एक तक दरवाजे की तरफ देखती जा रही है जैसे जैसे कोई आने वाला है। Thank you.
चौधरी, मैं आ गया चौधरी। मिर्जा जी, बेटी, क्या करें बेटी, बेटी। दीदी, चौधरी, चौधरी मैं आ गया। आ गए मेरे नौशा। चौधरी, चौधरी मैं आ गया। चौधरी, मैं आ गया चौधरी। बेटी। चौधरी। चौधरी, चौधरी, बेटी। Like, share and subscribe to TV Next Bollywood.